से हम स्टार्ट करते हैं. व्हाट एग्जैक्टली इज रूनस, हाउ इट वाज डिस्कवर्ड और क्यों यूज होता था. रूनिक सिस्टम वाज इन यूज बाय द नॉर्डिक एंड जर्मनिक ट्राइब्स ऑफ नॉर्दर्न यूरोप. वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित है ये पूरा, तो नॉर्दर्न यूरोप से आया था ये. ये सेक्युलर और रिलीजियस दोनों पर्पसेस के लिए यूज होता था. डेवलपमेंट ऑफ रून अल्फाबेट वाज अ फेयरली रीसेंट अकरेंस. Which was brought about by the increased trading activity with Mediterranean neighbors. अब ये recent occurrence क्या हुआ कि जब हमारे देश में बाहर से कोई आता है तो वो अपने culture का कुछ portion लेकर आता है और हमारे culture का कुछ portion लेकर जाता है. So this exchange has been happening since the very ancient time. और यही exchange का gift जो हमें मिला, that was के runic alphabets develop हुए यहाँ पे. Now, before this time, runes were primarily a magical system of pictographs representing the forces and objects in nature. जैसा कि हम सबको पता है, early age के time से इंसान क्या करता था, उन्हें ये नहीं पता था कि किसे worship करना है. ना उन्हें ये पता था who is divine. So they used to worship the forces of nature. सूर्य की रोशनी देखी उन्होंने एंड दे नेवर न्यू द सोर्स, सो दे स्टार्टेड वर्शिपिंग सन, दे स्टार्टेड वर्शिपिंग विंड, दे स्टार्टेड वर्शिपिंग फायर. तो जहां से उन्हें सोर्सेस दिखते थे कि कुछ एनर्जी सोर्स है जो उनके कंट्रोल से बाहर है, तो वो उसको पूजा करने लग गए, उसको उन्होंने सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस किया. तो रूनस भी ऐसे ही ओरिजिनेट हुए हैं. It was believed that by calling upon appropriate rune, one could thereby make contact with the force in nature the symbol represented. और ऐसा माना जाता था कि अगर आप उस appropriate rune को invoke करो, तो आप nature के उस force